दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जोनल स्तर का नकल विरोधी समागम आयोजित किया गया। इस समागम में सिंचाई मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर समागम को संबोधित करते हुए शरणजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के विकास के साथ साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने नाटक पेश करते हुए परीक्षाओं में नकल न करने का संदेश दिया। इस अवसर पर नकल विरोधी अभियान की कन्वीनर श्रुति शुक्ला, पंजाब राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सुरेश टंडन, डीईओ परमजीत कौर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सिक्ख्या विभाग वालों जो नकल विरोधी मुहिम चलाई गई है बहुत ही शलाघाजोग है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा ने इकट्ठे बैठ के सारी ये प्लानिंग बनाई है। इस नकल दे विच तीन लोग जिम्मेवार, बच्चों के मापे, बच्चे ते टीचर। अगर तीनों ही ये मन फैसला कर लैन कि असी ना नकल मरवानी है, बच्चे बाद फैसला करेंगे, बिल्कुल नकल मरवानी नहीं है, ये मसला हल होगा। और नकल मार के पढ़िया हुआ बच्चा अपनी जिंदगी के टारगेट पर पहुँच नहीं सकता। सो मैं समझना इस मुहिम का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदा रिजल्ट आने वाले इसे जी रिजल्ट मार्च अप्रैल के पेपर हो रहे हैं, ये ही देखो रिजल्ट वधिया मिलेगा। बहुत वधिया कदम चुके जा रहे हैं। असी पंजवीं का अठवीं का जो बोर्ड का टेस्ट भी असी रख रहे हैं। सो जो जो त्रुटियां ने वो सारिया त्रुटियां असं दूर कर रहे हैं। और टीचर साहबान का भी धन्यवाद करदा कि टीचर साहबान ने भी तहिया किया कि असी बच्चियों के भविष्य वास्ते वधिया फैसले ले रहे हैं।